सुप्रभात, कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 12 है, गुलदस्ता। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान एक। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान एक में पाठ 12 गुलदस्ता विषय पर अध्ययन करेंगे तथा इससे संबंधित कठिन शब्द और शब्द अर्थ का भी अभ्यास करेंगे। गुलदस्ता, जिसका अर्थ है फूलों का गुच्छा। इस पाठ में बताया गया है कि मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का संयोग करना विकास का आधार है। साथियों की संख्या जितनी अधिक होती जाती है, उतनी ही प्रगति की संभावना बढ़ती जाती है। तो चलिए बच्चों, पाठ 12 की शुरुआत करते हैं। आज नानी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सब लोग उन्हें कुछ ना कुछ उपहार दे रहे हैं, किंतु ईशान जब उपहार स्वरूप गुलदस्ता लेकर आता है तो पूरा घर खुशबू से भर जाता है। आज नानी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है? नानी का। किसकी नानी थी? ईशान की नानी। आज नानी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सब लोग उन्हें कुछ ना कुछ उपहार, उपहार का अर्थ है भेंट, दे रहे हैं। किंतु ईशान जब उपहार स्वरूप गुलदस्ता, गुलदस्ता का अर्थ है फूलों का गुच्छा, उपहार के रूप में फूलों का गुच्छा लेकर आता है तो पूरा घर खुशबू से भर जाता है, क्योंकि फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो फूलों के गुच्छे से उनका पूरा घर खुशबू से भर गया। ईशान, तुम्हारा गुलदस्ता तो बहुत प्यारा है, इसके फूल तो अभी ताजे हैं। नानी जी, मुझे फूल बहुत प्यारे लगते हैं और जब इनका गुलदस्ता बन जाता है तब तो इनकी शोभा में चार चांद लग जाते हैं। तो जैसे ही नानी ने गुलदस्ता देखा तो उन्होंने ईशान से कहा कि तुम्हारा गुलदस्ता तो बहुत प्यारा है, क्योंकि फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। उस फूलों की खुशबू से उनका पूरा घर महकने लगा। तो नानी ने कहा, ईशान तुम्हारा गुलदस्ता तो बहुत प्यारा है, इसके फूल तो अभी ताजे हैं, क्योंकि ताजे ताजे जो फूल होते हैं उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो नानी जी, मुझे फूल बहुत प्यारे लगते हैं। ईशान ने अपनी नानी से कहा, मुझे फूल बहुत प्यारे लगते हैं और जब इनका गुलदस्ता बन जाता है, अगर हम बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? एक गुलदस्ता बन जाएगा। तो इनकी शोभा में चार चांद लग जाते हैं। चार चांद लग जाना का अर्थ है अधिक सुंदर लगते हैं। तो इनकी शोभा जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। गुलदस्ता बनने के बाद इनकी शोभा में चार चांद लग जाते हैं। तो ये बात ईशान ने अपनी नानी से कही। ईशान, क्या तुम्हें पता है कि बहुत समय पहले गुलदस्ता नहीं बन पाता था, क्योंकि ये फूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो ये बात नानी ने ईशान से कही। ईशान, क्या तुम्हें पता है
कि बहुत समय पहले, लेकिन आजकल क्या होता है कि बहुत सारे फूलों को मिलाकर एक गुलदस्ता बनाया जाता है, जैसे कि आपने देखा उपहार में दिया जाता है। हम किसी की भी मैरिज पर जाते हैं तो हम वहां पर भी उनको एक गुलदस्ता उपहार में भी देते हैं, जन्मदिन के विषय पर उपहार पर दिया जाता है। तो यहाँ पर नानी बता रही है शान को, क्या तुम्हें पता है कि बहुत समय पहले गुलदस्ता नहीं बन पाता था, क्योंकि ये फूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। क्या होता था? फूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। फिर तो बताइए नानी जी, ये कैसे प्यार से रहने लगे और गुलदस्ता बनने लगा? प्रश्न जी, बताती हूँ। ये फूल एक ही राजा की संतान है। शुरू शुरू में एक बार ये सभी आपस में झगड़ने लगे और अपना अपना बड़प्पन जताने लगे। तो नानी ने बताया ईशान को, तो नानी ने बताया कि पहले क्या होता था कि ये फूल आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, इसी कारण कोई गुलदस्ता नहीं बन पाता था। तो ईशान ने नानी से पूछा, तो ये कैसे प्यार से रहने लगे और अब गुलदस्ता बनने लगा? तो नानी ने कहा, अभी बताती हूँ। तो नानी ने बताया कि ये फूल एक ही राजा की संतान, संतान का अर्थ है औलाद, ये फूल एक ही राजा की औलाद है। शुरू शुरू में एक बार भी ये सभी झगड़ने लगे थे, शुरू शुरू में एक बार ये सभी झगड़ने लगे थे और अपना अपना बड़प्पन, बड़प्पन का अर्थ है महानता, जताने लगे। वो कहता है कि मैं ज्यादा महान हूँ, कोई फूल कहता है मैं ज्यादा महान हूँ, चमेली का फूल कहता है मैं ज्यादा महान हूँ, गुलाब का फूल कहता है मैं ज्यादा महान हूँ, सूरजमुखी का फूल कहता है मैं ज्यादा महान हूँ। तो शुरू शुरू में एक बार ये सभी आपस में झगड़ने लगे और अपनी अपनी महानता जताने लगे। गेंदे का फूल बोला, सबसे पहले गेंदे का फूल बोला, मुझ में भी कई रंगों की छाया होती है, मेरी सुंदरता की वजह से ही लोग मुझे अपने लॉन और बालकनी में सजाते हैं। तो ये बात गेंदे के फूल ने बोली, मुझ में भी कई रंगों की छाया होती है, मेरी सुंदरता की वजह से लोग मुझे अपने लॉन, लॉन का अर्थ है घर के बाहर का खाली स्थान, और बालकनी में सजाते हैं। जैसे कि हम गेंदे के फूल क्या करते हैं, दिवाली पर भी प्रयोग करते हैं, अपने दीवारें सजाते हैं, अपना गेट सजाते हैं, और घर के बाहर जो खाली जगह होती है सब जगह सजाते हैं। तो गेंदे के फूल की महानता थी कि मुझ में भी कई रंगों की छाया होती है और मेरी सुंदरता की वजह से लोग मुझे अपने लॉन और बालकनी में सजाते हैं। इसके बाद कमल का फूल बोला, देखो कमल के फूल ने क्या बताया, सबसे अच्छा मैं हूं, मेरे कई रंग है, मैं संसार के सभी भागों में पाया जाता हूं, यहां तक कि धन की देवी लक्ष्मी जी मेरे ऊपर ही आसन ग्रहण करती है। अब पहले गेंदे के फूल ने अपनी महानता बताई, अब कमल का फूल बता रहा है सबसे अच्छा तो मैं हूं, मेरे कई रंग है, मैं संसार के सभी भागों में पाया जाता हूँ, यहाँ तक कि जो धन की देवी है, जो हमें धन देती है लक्ष्मी जी, वह भी मेरे ऊपर ही आसन ग्रहण करती है। ग्रहण का अर्थ है लेने का काम, आसन लेने का काम करती है, वह मुझ पर विराजती है। कौन विराजती है? धन की देवी लक्ष्मी। किस पर विराजती है? कमल के फूल पर।
सूरजमुखी का फूल बोला। क्या बोला? मैं तो बड़ा भी हूं और सबसे अच्छा भी हूं। आसमान के सूरज की तरह मैं धरती का सूरज हूं। बहुत सारे लोग मुझ में सूरज की छाया देखते हैं। सूरजमुखी का फूल बोला, मैं तो बड़ा भी हूं और सबसे अच्छा भी हूं। आसमान का अर्थ है आकाश, के सूरज की तरह मैं धरती का अर्थ है जमीन। आसमान में जो सूरज चमकता है उसकी तरह मैं धरती का भी सूरज हूँ। बहुत सारे लोग मुझ में सूरज की छाया देखते हैं। सूरज का अर्थ है रवि, सूर्य। तो बहुत सारे लोग मुझ में सूरज की छाया देखते हैं। गुड़हल का फूल बोला। क्या बोला? सूर्य की कृपा प्राप्त करनी हो या माँ काली की, लोग मेरे द्वारा ही इनकी पूजा करते हैं। मेरा धार्मिक महत्व के साथ साथ औषधीय महत्व भी है। तो गुड़हल का फूल क्या बोला? अगर तुम्हें सूर्य की कृपा प्राप्त करनी है, अर्थात सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करना है या माँ काली की पूजा करनी है, तो लोग मेरे द्वारा ही इनकी पूजा करते हैं और मेरे द्वारा ही इनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरा धार्मिक महत्व, धार्मिक का अर्थ है धर्म के अनुसार, जो धर्म के अनुसार महत्व है उसके साथ साथ औषधीय महत्व भी है। औषधीय मीन्स औषधि योग्य। मेरे अंदर क्या है? धर्म के अनुसार भी महत्व है और क्या है? औषधीय योग्य महत्व भी है। अब इसके बाद गुलाब का फूल बोला। गुलाब का फूल क्या बोला? तुम सब पता करके देखो, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और अच्छा फूल हूँ। मुझे रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो गुलाब का फूल क्या बोला? तुम सब पता करके देखो, मैं दुनिया का अर्थ है संसार का सबसे खूबसूरत, सुंदर और अच्छा फूल हूँ। कि मैं इस दुनिया का, इस संसार का सबसे सुंदर और अच्छा फूल हूँ। मुझे रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए जाना जाता है। जैसे आपने देखा ना, गुलाब का फूल देते हैं तो उसकी ये महानता होती है कि वो रिश्तों में प्यार बढ़ाने के लिए जाना जाता है। अब चमेली का फूल बोला। वह क्या बोला? मुझे तो पारसी भाषा में यास्मीन कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रभु की देन, यानी कि ईश्वर ने मुझे उपहार स्वरूप धरती वासियों को दिया है। मैं अपने इत्र और तेल के लिए भी प्रसिद्ध हूँ। इत्र का अर्थ है एक सुगंधित द्रव, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में परफ्यूम बोलते हैं। चमेली का फूल बोला, मुझे तो पारसी भाषा में यास्मीन कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रभु की देन, यानी कि ईश्वर ने मुझे उपहार स्वरूप धरती वासियों को दिया है। कि उपहार के रूप में मुझे धरती पर रहने वाले जो लोग हैं को दिया है। मैं अपने इत्र मीन्स एक सुगंधित द्रव और तेल के लिए भी प्रसिद्ध हूँ। लोग जो है चमेली के फूल का इत्र मीन्स परफ्यूम प्रयोग करते हैं, तेल प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं मैं अपने इत्र और तेल के लिए भी
प्रसिद्ध हूं। इस तरह सारे फूल आपस में झगड़ रहे थे। तभी एक परी वहां आ पहुंची। बच्चों, तुम सब समान हो, तुम सब झगड़ना छोड़ दोगे तो और सुंदर तथा उपयोगी हो जाओगे। तो जब ये सारे के सारे फूल अपनी महानता बताते समय आपस में झगड़ रहे थे, तभी एक परी वहां आ पहुंची। तो उसने कहा, बच्चों तुम सब समान हो। समान का अर्थ है एक जैसे हो, तुम सब एक जैसे हो। तुम सब झगड़ना छोड़ दोगे तो और भी सुंदर तथा उपयोगी हो जाओगे। सभी बालक परी का कहना मान गए। सभी एक दूसरे से गले मिले और हंसी खुशी से साथ साथ रहने लगे। जब ये फूल एक साथ मिल जाते हैं तो गुलदस्ता बनता है, जिसे लोग एक दूसरे को उपहार स्वरूप देते हैं। तो सभी बालक परी का कहना मान गए। बालक जैसे जैसे कि गेंदे का फूल और गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल, चमेली का फूल आदि। तो ये सभी बालक ने क्या किया, परी का कहना माना। अब वे एक दूसरे से गले मिले और हंसी खुशी से साथ साथ रहने लगे। जब ये एक फूल जो मिल जाते हैं, आपस में सभी फूल मिल जाते हैं, तो गुलदस्ता बनता है, जिसे लोग एक दूसरे को उपहार स्वरूप देते हैं, अर्थात उपहार के रूप में देते हैं। सीख। इस पाठ से हमने यह सीखा कि एकता का महत्व, आपस में मिलजुल कर रहना, अपनी योग्यता के साथ साथ दूसरे की योग्यता को भी महत्व देना। तो इस पाठ से हमने सीखा कि हमें एकता का महत्व समझना चाहिए, आपस में यूनिटी दिखानी चाहिए, आपस में एक दूसरे को अपना प्यार जताना चाहिए, सिर्फ अपनी महानता पर गर्व नहीं करना चाहिए, दूसरों की महानता को भी समझना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, अपनी योग्यता के साथ साथ दूसरे की योग्यता को भी महत्व देना चाहिए। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर बड़प्पन है, जो आपके अंदर महानता है, उसको तो महत्व दो, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे के अंदर जो उसकी महानता है, योग्यता है, उसको भी महत्व देना चाहिए। अब हम व्याख्यान एक से संबंधित कठिन शब्द करेंगे। नंबर एक, गुलदस्ता। नंबर दो, संतान। नंबर तीन, उपहार। नंबर चार, जन्मदिन। नंबर पांच, खूबसूरत। नंबर एक, गुलदस्ता। नंबर दो, संतान। नंबर तीन, उपहार। नंबर चार, जन्मदिन। नंबर पांच, खूबसूरत। नंबर छह, औषधीय। नंबर सात, धार्मिक। नंबर आठ, ग्रहण। नंबर नौ, लोन। नंबर दस, बड़प्पन। नंबर छह, औषधीय। नंबर सात, धार्मिक। नंबर आठ, ग्रहण। नंबर नौ,
लॉन। नंबर 10 बड़प्पन। नंबर 11 है इत्र। नंबर 12 है लक्ष्मी। नंबर 13 है बालकनी। नंबर 14 है कृपा। नंबर 15 है सूरजमुखी। नंबर 11 है इत्र। नंबर 12 है लक्ष्मी। नंबर 13 है बालकनी। नंबर 14 है कृपा। नंबर 15 है सूरजमुखी। अब हम व्याख्यान 1 से संबंधित शब्द अर्थ का अभ्यास करेंगे। शब्द अर्थ। नंबर 1 गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा। नंबर 2 बड़प्पन, महानता। नंबर 3 लोन, घर के बाहर का खाली स्थान। नंबर 1 गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा। नंबर 2 बड़प्पन, महानता। नंबर 3 लोन, घर के बाहर का खाली स्थान। नंबर 4 धार्मिक, धर्म के अनुसार। नंबर 5 इत्र, एक सुगंधित द्रव। नंबर 6 संतान, औलाद। नंबर 7 ग्रहण, लेने का काम। नंबर 4 धार्मिक, धर्म के अनुसार। नंबर 5 इत्र, एक सुगंधित द्रव। नंबर 6 संतान, औलाद। नंबर 7 ग्रहण, लेने का काम। नंबर 8 कृपा, आशीर्वाद। नंबर 9 औषधीय, औषधि योग्य। नंबर 10 रिश्ता, संबंध। नंबर 8 कृपा, आशीर्वाद। नंबर 9 औषधीय, औषधि योग्य। नंबर 10 रिश्ता, संबंध। अंत में मैं आपको व्याख्यान 1 से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 12 गुलदस्ता से संबंधित कठिन शब्द और शब्द अर्थ कॉपी में लिखो। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 12 गुलदस्ता से संबंधित कठिन शब्द और शब्द अर्थ कॉपी में लिखो। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।